टी20 के आक्रामक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। टी20 क्रिकेट में उन्होंने कई शानदार पारी खेली है, लेकिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट में वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में सूर्य कुमार यादव भी फ्लॉप साबित हुए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। ऐसे में अब उनके चयन पर भी सवाल उठने लगे हैं। 32 वर्षीय सूर्य कुमार यादव ने वनडे क्रिकेट में पिछली 14 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। अब दूसरे वनडे में भी वह पहली ही गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौटे। उनका आखिरी बेस्ट स्कोर 34 रहा है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूर्य वनडे में बुरी फॉर्म से जूझ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव के वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो वह कुछ खास नहीं है। उन्होंने अभी तक 22 मैचों की 20 पारियों में 21.49 की औसत से 433 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। पिछले दिनों वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उतरे थे, लेकिन सिर्फ 8 ही रन बना सके। इसके बाद उन्हें टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था। आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव कब अपनी फॉर्म में आ पाएंगे?